दोस्तों आज टीम इंडिया और जिम्बाब्वे की टीम के बीच T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मुकाबले में भारत की टीम लगभग मैच हार गई थी, लेकिन फिर भारत के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के चौथे T20 का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले 3 मुकाबले तो खेले जा चुके हैं, जहां आपको बता दें कि पहले 3 मुकाबलों में भारत की टीम को 1 मैच में हार मिली थी, वही 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में भारत की टीम के पास में 2-1 की एक अहम बढ़त थी। वही आज चौथा मुकाबला इस सीरीज का हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस मैच में भी टीम इंडिया जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर आई, जहां इस मैदान पर भारत की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिम्बाब्वे मैदान पर आई। लेकिन एक बार फिर से जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली, क्योंकि पहले 3 ओवर के अंदर ही भारत के फास्ट गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की टीम के 2 बड़े विकेट ले लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत के गेंदबाजों ने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया, जहां माधेवेरे ने 3 और मरुमानी ने 9 रन की पारी खेली। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी है जो कप्तान सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट पर आ चुकी थी, और उस जिम्मेदारी को इन दोनों ने अच्छे से निभाया। इन दोनों ने पहले तो सूझबूझ से बल्लेबाजी की और पावर प्ले के समाप्त होने तक अपनी टीम को 40 रन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद दोनों ने अपने गैर बदले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे लय में थे, सिर्फ 33 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी बना ली, जिसके बाद देखते ही देखते बेनेट ने सिर्फ 29 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी बना ली। तो वही रजा भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी 34 गेंद पर अपना अर्धशतक बनाया। इन दोनों ने 15 ओवर तक अपनी टीम को 130 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि उसके बाद जरूर ये दोनों ही आउट हो गए, इन दोनों को बिश्नोई ने आउट किया, जहां रजा ने 57 और बेनेट ने 71 रन बनाए। लेकिन उसके बाद अंतिम के कुछ ओवर में जिम्बाब्वे की ओर से कैंपबेल ने अटैकिंग बैटिंग की और कुछ बड़े शॉट खेले भारत के गेंदबाजों के खिलाफ। कैंपबेल ने सिर्फ 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसके वजह से ही जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 190 रन तक पहुंची। भारत के लिए बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। अब भारत को जीतने के लिए 191 रन बनाने थे, हालांकि ये मुश्किल तो नहीं था क्योंकि भारत की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग थी, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन आज टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली। जरूर शुरू में इन दोनों ने संभल कर बैटिंग की थी, लेकिन दूसरे ओवर में शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और उनको चटारा ने आउट कर दिया और भारत को पहला झटका दे दिया। बता दे कि गिल ने भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाए, जिसके बाद में जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। हालांकि आज जरूर अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पर खड़े जायसवाल अच्छे लय में नजर आ रहे थे। इन दोनों की ये साझेदारी से भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 5वें ओवर में रजा के खिलाफ जायसवाल ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में जायसवाल ने 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए और अपनी टीम के ऊपर से दबाव को कम किया। वहीं दूसरी ओर पर खड़े अभिषेक शर्मा भी जायसवाल का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने पहले 6 ओवर ने अंदर भारत की टीम के स्कोर को 46 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन पारी के 7वें ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जिनको माधेवर ने आउट किया। बता दे अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 25 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे, जिसके बाद गायकवाड़ और जायसवाल ने सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और इंडिया के स्कोर को अच्छे से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और खराब गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं दबाव अब जिम्बाब्वे पर भी था। लेकिन 10वें ओवर में आखिरकार गायकवाड़ को सिकंदर रजा ने आउट कर दिया, जो कि इनफॉर्म बैट्समैन थे इंडिया के लिए, जहां गायकवाड़ ने इंडिया के लिए 16 रन बनाए और इस तरह से पहले 10 ओवर में भारत की टीम ने 85 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और उसके बाद सैमसन ने जायसवाल का साथ दिया। भारत के एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन जायसवाल डटे हुए थे,
जहां जायसवाल ने 12वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं 50 लगाने के बाद में जायसवाल ने अपने गैर पूरी तरह से बदल ली और ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू कर दी। सैमसन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे और तेजी से टीम इंडिया को टारगेट के ओर पहुंचा रहे थे। इन दोनों की ये साझेदारी है जो जिम्बाब्वे के लिए खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों ही भारत को तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे थे और इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद 15वें ओवर में चटारा ने सेट बैट्समैन जायसवाल को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया, जहां जायसवाल ने इंडिया के लिए 42 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। इस पारी में जायसवाल ने 2 छक्के और 8 चौके लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। अब लास्ट 5 ओवर में भारत को 52 रन की जरूरत थी। मैच काफी रोमांचक हो गया था, जिसके बाद रिंकू और सैमसन दोनों ने काफी सूझबूझ दिखाई और सिंगल डबल के साथ बाउंड्री भी बटोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिंकू ने तो आते ही 17वें ओवर में चैटरा के अगेंस्ट 2 छक्के जड़ दिए। वही सैमसन ने भी एक चौका लगाया और इस ओवर में से 18 रन निकाल लिए। अब ये मैच पूरी तरह से भारत के पकड़ में आ गया था, क्योंकि लास्ट 3 ओवर में 24 रन भारत को बनाने थे। हालांकि 18वां ओवर जरूर मुजराबानी ने अच्छा डाला और सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन 19वें ओवर में रिंकू ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, तो वही सैमसन के बल्ले से 2 छक्के निकले और इस तरह से इन दोनों ने इस मैच को बड़ी ही आसानी से भारत को जीता दिया। जहां रिंकू ने 25 रन की पारी खेली, वही सैमसन ने भी 42 रन का अहम योगदान दिया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला था, बाकी रियल मैच चौथा T20 है जो 13 तारीख को यानी शनिवार के दिन खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत चौथा T20 जीतकर इस सीरीज को जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।